Welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 3rd and this is the 7th chapter. Name of the chapter is Rules to Follow. Niyam jinka palan karne chahiye. Here are some questions. Do you follow traffic rules? Kya aap traffic rules ka palan karte hain? Why do we drive on the left hand side? Hame ulte haath par gaadi kyon chalani chahiye? Do you play on the road? Kya aap sadak par khelte hain? Do you know about red traffic light? क्या आप लाल बत्ती के बारे में जानते हैं? The chapter begins from here. In daily life, we used to go on road for many purposes and why? Going to school, shopping and anywhere else. रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सड़क पर कई उद्देश्य से जाना होता है, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं और इस तरह और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनकी वजह से हमें जाना होता है. To avoid accident, it is our duty to remember the following road safety rules. और ये हमारी ड्यूटी बन जाती है, हमारा कर्तव्य है और कि हम सड़क के नियमों का पालन करें. किस लिए? जिससे कि एक्सीडेंट से या दुर्घटना से बचा जा सके. और we must drive or ride on the left hand side of the road. हमें सड़क के उल्टी तरफ ही गाड़ी चलानी चाहिए. We must always cross the road only at the zebra crossing. हमें केवल जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क क्रॉस करनी चाहिए. We must walk on footpath, not on the road. हमें केवल फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, सड़क पर नहीं चलना चाहिए. Never play or run on the road. कभी भी सड़क पर नहीं खेलना चाहिए और दौड़ना भी नहीं चाहिए. Follow traffic signals and traffic police. हमें ट्रैफिक सिग्नल्स का अनुसरण करना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस की बातें माननी चाहिए. ड्राइव स्लोली एंड फॉलो द ट्रैफिक लाइट. धीरे गाड़ी चलाओ और ट्रैफिक लाइट जो होती हैं, जो जैसे कि लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट, इनका हमें पालन करना चाहिए. रेड लाइट सेज टू स्टॉप. लाल बत्ती कहती है रुको. येलो लाइट सेज गेट रेडी. पीली बत्ती कहती है कि तैयार हो जाओ. ग्रीन लाइट सेज टू गो. ग्रीन लाइट कहती है, हरी बत्ती कहती है कि जाओ. वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सोसाइटी. हमारा अपने समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है. वी शुड मेक अवर सोसाइटी क्लीन एंड ब्यूटीफुल. हमें अपने समाज को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना चाहिए. सो वी शुड फॉलो द सम रूल्स फॉर मेकिंग अवर सोसाइटी ब्यूटीफुल. और हमें अपने समाज को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. We should collect our house waste. हमें अपने घर के कूड़े कचरे को इकट्ठा करना चाहिए and throw it into the public dustbin. और इसको public dustbin में डालना चाहिए. We must always flush the public toilet after using. और हमें जो public toilet होता है, सार्वजनिक शौचालय जो होता है, उसको use करने के बाद flush भी करना चाहिए. Don't throw anything in the drain. नालियों में हमें कुछ भी नहीं डालना चाहिए. We should neither spit on the road nor on the walls. और ना ही हमें सड़कों पर थूकना चाहिए और ना ही दीवारों पर थूकना चाहिए. Don't litter on the street. और हमें गलियों में कूड़ा कचरा भी जमा नहीं करना चाहिए. Fact. Rules help a person to achieve success. नियम ही एक किसी भी व्यक्ति की मदद करते हैं. किस लिए? सफलता को प्राप्त करने के लिए. Okay, students.